हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिंग्स क्या होता है। ठीक है, साइक्लिंग वैसे पेड मार्केटिंग में भी होता है और फ्री मार्केटिंग SEO में भी होता है। तो पेड मार्केटिंग में तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन से साइक्लिंग्स आने चाहिए। ठीक है, कब कौन सा आना चाहिए वो तो गूगल डिसाइड करता है, लेकिन मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें दिखानी है, फिर अकॉर्डिंग टू द सर्च गूगल दिखा देता है। ठीक है, और जो मुझे नहीं दिखाना है वो मैंने ही बनाया, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे SEO की बात करें तो ना तो हम बनाते हैं और ना हम हटा सकते हैं, तो ये सब गूगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइट लिंक्स का कोई स्कीमा नहीं होता। तो गूगल साइट लिंक्स आर लिटिल सब लिस्टिंग्स दैट अपीयर अंडर द फर्स्ट रिजल्ट्स इन द सर्च रिजल्ट्स। तो जब भी आप किसी का ब्रांड डालोगे और अगर वो ब्रांड बहुत यूनिक है तो ऑटोमेटिकली पहले नंबर पर आएगा, और जब वो फर्स्ट नंबर पर आएगा तो उसके नीचे आप देखोगे कुछ ऐसा ब्लॉग अबाउट कॉन्टैक्ट राइटिंग या अदर पेजेस के लिंक्स आते हैं। ठीक है, तो एक तो ब्रांड की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा लगती है यार, नाइकी डालो तो इतने मतलब गूगल का पूरा पेज दिखा रहा है, इसके लिए तो बहुत सारे लिंक्स दिखा रहा है, तो एक रेपुटेशन बढ़ती है इससे। ठीक है ना, लेकिन स्टिल रेपुटेशन बढ़ भी दिया तो आप क्या कर लोगे? गूगल अपनी मर्जी से दिखाता है, आप तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। यूजली वन सर्चिंग फॉर ब्रांड, तो जब ये ब्रांड्स के लिए सर्च करो तभी आता है। ठीक है ना, तो हर किसी के लिए नहीं आ जाएगा। और ब्रांड की बात करूँ तो ब्रांड मतलब वो चीज़ है, अगर आपका बिजनेस का नाम यूनिक है तो ब्रांड है। ठीक है ना, अगर मैं नाइक डालूंगा तो nike.com यूनिक नेम है, adidas.com डालूंगा तो पक्का आएगी। ठीक है ना, तो ये उसके लिए होता है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस टू देम ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स, दिस इज़ वॉट दे लुक लाइक। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। साइट लिंक्स आर नॉट डिस्प्लेड फॉर एवरी वेबसाइट, सबके लिए नहीं आते। अब डिपेंड करता है गूगल को जो वेबसाइट ज़्यादा समझ में आती है, जिसके उसको लगता है दिखाने चाहिए दिखाता है, जिसके नहीं दिखाना होते नहीं दिखाता। अब गूगल कह रहा है वी ओनली शो साइट लिंक्स फॉर रिजल्ट्स व्हेन वी थिंक दे आर यूजफुल टू द यूज़र। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट डजेंट अलाउ आर एल्गोरिथम टू फाइंड गुड साइट लिंक्स और वी डोंट थिंक दैट द साइट लिंक्स फॉर योर साइट आर रिलिवेंट फॉर द यूजर्स क्वेरी, वी वॉन्ट शो दैम। तो स्ट्रक्चर पहले ऐसा होना चाहिए कि उसको समझ में तो आए, तभी वो दिखाएगा। तभी अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। वी कैन से दैट गूगल माइट नॉट शो साइट लिंक्स ड्यू टू टू रीजन्स, द साइट लिंक स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ एल्गोरिथम टू फाइंड गुड साइट लिंक्स, द साइट लिंक्स आर नॉट रिलिवेंट टू द यूजर क्वेरी। ये जैसे ऊपर लिखा था उसी के बारे में बात हो रही है। वाई आर गूगल साइट लिंक्स इंपॉर्टेंट? एक तो CTR इम्प्रूव करते हैं, और क्योंकि एक लिस्टिंग इतनी यू नो बिग आती है तो एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है कि यार अच्छा ब्रांड होगा तभी मैं भी गूगल ऐसा शो कर रहा है। फिर इंक्रीज योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस, आप यूज़र को ये भी दिखता है कि अच्छा ये भी सर्विसेज ये ऑफर करते हैं, तो उस पर भी डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है ना, तो जो डीपर लिंक्स होते हैं जिस पर कभी यूज़र जा नहीं पाता क्योंकि वो साइड लिंक में दिखा देते हैं तो क्लिक करके वहाँ पर भी चले जाते हैं। जैसे वर्ड पॉइंट बता रहा है, यूज़र्स गेट टू यू नो ब्राउज डीपर लिंक्स। हाउ टू जनरेट गूगल साइड लिंक्स फॉर योर वेबसाइट? गूगल्स आर साइट लिंक्स आर ऑटोमेटेड, साइट लिंक्स आर क्रिएटेड थ्रू वेबसाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ब्रेड क्रम वाला स्कीमा लगाओ, ठीक है, लोकल बिजनेस वाला स्कीमा लगाओ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप लगाओगे ये कहीं ना कहीं गूगल को समझने में हेल्प करेंगे। आपका स्ट्रक्चर वो ना हो गूगल दिखा दे आपका। गूगल डज नॉट टेल यू हाउ टू क्रिएट साइट लिंक्स और कंट्रोल देयर अपीयरेंस डायरेक्टली। ठीक है, पहले कभी एक ऑप्शन होता था कि रिमूव साइट लिंक्स वेब मास्टर टूल्स में, तो हम जाके हम बताते थे कि ये मत दिखाओ, हटा देता था। अभी वो ऑप्शन नहीं हटा दिया उसमें। ठीक है, गूगल अब दिखाता भी अपनी मर्जी से, हटाता भी अपनी मर्जी से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा करो, साइट लिंक्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने अभी करंट वेबसाइट का मैंने चेक किया तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब मेरी लास्ट वेबसाइट थी तो उसका आता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को आई थिंक इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा लेकिन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपना ब्रांड नेम सर्च कर देखो, करके देखो, अपने कॉम्पिटिटर्स का सर्च करके देखो, देखो उनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने कैटेगरी सब कैटेगरीज कैसे मेंशन की हुई, तो हो सकता है आपका भी आ जाए। ठीक है, तो इतना ही है बेसिकली इस वीडियो में। कुछ ज़्यादा आपको टेक्निकलिटी यहाँ पे चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ समझना है। और स्कीमा के थ्रू गूगल को जितना ज़्यादा बेटर समझाओगे साइट लिंक्स में भी आने शुरू हो जाओगे, तो नीड नॉट टू वरी। तो इतना ही बेसिकली स्कीमा की बात करेंगे हम। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।